जिस तरह से बाकी धर्म है, ईसाई धर्म में लोग क्रॉस धारण करते हैं, पर हिंदू धर्म में सबको ओम धारण करना चाहिए? देखिए, जो ओम की महत्ता है वो दो पक्षीय है। एक तो हम सब लोग जो हैं अलग अलग देवी देवता को मानते हैं, और जिसमें जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो पत्थर, नदी, पेड़, पक्षी, किसी को भी भगवान बना देते हैं। तो ओम जो है वो इसी प्रवृत्ति को बांधता है, क्योंकि कोई भी धर्म वो बात नहीं सिखाता समझाता जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिसको नया नाम कहे तो हिंदू कह सकते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जीवित अजीवित सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं, और इस सृष्टि की रचना में सबके बीच में एक बैलेंस आवश्यक है। और ओम की जो भावना है वो भी यही है, अ उ म, जिसका मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी प्रजनन से मृत्यु तक का जो रास्ता है वो हम सब लोग जुड़े हुए हैं उस सब से। तो प्रजनन होता है एक बीज के रूप में, भोजन बनता है हम लोगों के लिए, भोजन बन के हम मिट्टी बनते हैं, और वो मिट्टी वापस भोजन बनता है उसी बीज के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, और जो सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से ओम जो है वो उसी प्रक्रिया को साधने का तरीका है, और ध्यान को साधने का तरीका है। खास तौर पे जब रामानंद परंपरा का विषय उठता है तो आप देखेंगे कि हर प्रकार के, किसी भी जाति, किसी भी श्रेणी के जो लोग रहे हो, किसी भी समाज में रहे हो, जब से रहे हो, वो सब भी इसी से बंधे हुए लोग थे। और इस परंपरा में शुरुआत में जाए तो ऋषि वाल्मीकि, रामानंद जी, तुलसीदास जी, और रामानंद जी की जो शिष्या थी वो मीराबाई, जो कि खुद क्षत्राणी थी। तो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ना हो, तुलसीदास जी, ये सब उसी परंपरा से बंधे हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं जो दर्शन है सनातन धर्म का, वो ओम के माध्यम से बिल्कुल सीधा, स्पष्ट, सरल है। और इसलिए ओम का धारण करना जो है, मुझे लगता है सनातनी परंपरा जो कि बहु रूपी ईश्वर को, ईश्वर का स्वागत करती है, लेकिन फिर सबको एक ही धागे में पिरो देती है। तो जो माला है, फूल कई कोई हो, किसी रंग के हो, लेकिन सब उस धागे में पिरोए हुए हैं। तो ये जो धागा है, जो सूत्र है, वो ओम है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।